बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है वो समझने के लिए आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की ये घटना देखनी चाहिए, जहां सरकारी अस्पताल में मरीजों को बहला फुसलाकर सदर अस्पताल से प्राइवेट क्लिनिक ले जाने को लेकर दो आशाकर्मी आपस में ही भिड़ गईं। बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई एक महिला को सरकारी अस्पताल से प्राइवेट क्लिनिक ले जाने के लिए दो आशा कर्मियों की भिड़ंत का ये वीडियो बिहार की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था और कूड़ा हो चुके सिस्टम की कलई खोलने के लिए काफी है। दरअसल इन दोनों आशा कर्मियों में लात घूंसे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एक प्रेग्नेंट महिला को प्राइवेट क्लिनिक ले जाना चाहती थी, लेकिन लड़ाई इस बात पर आकर टिक गई कि कौन सी आशा कर्मी महिला को क्लिनिक ले जाएगी, क्योंकि जो भी आशा कर्मी क्लिनिक लेकर जाएगी कमीशन उसी को मिलेगा। अस्पताल में लड़ाई होने की जानकारी मिलते ही नालंदा के सिविल सर्जन डॉक्टर राम सिंह अस्पताल पहुंचे। सिविल सर्जन के आते ही सदर अस्पताल में जमघट लगाकर बैठने वाली सभी आशाकर्मी मौके से फरार हो गईं, जबकि एक आशाकर्मी अंजू कुमारी मौके पर मिल गई, जिसे बिना किसी काम अस्पताल में रहने पर कड़ी फटकार लगाते हुए सिविल सर्जन ने गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। इसके बाद मौके पर पहुंचकर बिहार थाना पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और थाने ले गई। सिविल सर्जन डॉक्टर राम सिंह ने बताया कि आए दिन आशा कर्मियों की शिकायत मिल रही थी। आज प्रसव कराने के लिए आई एक महिला मरीज पर दो आशा कर्मी दावा करते हुए आपस में मारपीट करने लगी। जांच के बाद मामला सही पाया गया। एक आशा कर्मी बेवजह अस्पताल में बैठी थी, जिसके पास से एक कैमरा भी बरामद किया गया है। उस आशा कर्मी को फिलहाल पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सिविल सर्जन ने आशा कर्मियों का एक गैंग होने की भी बात कही। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों के बाद एक ऐसे अस्पताल में गया, देखना चाहा, गोलू को पकड़ना चाहा। एक तो कब्जे में आई जो अजबू देवी कोई मूसरा की बनाई जाती है और आशा कर्मियों का कर रही थी, लेकिन जो वीडियो में मैंने देखा फोटो उसका भी व्यवहार ठीक नहीं था। बाकी औरतें भी हैं सामने, वो पकड़ी गई। तो मैं चूँकि मुझे जानकारी है कि हम हमारे अस्पताल में भी चिकित्सा लोग ऐसे करता है या कोई गैंग है जो इस तरह के ऑपरेशन में लगा हुआ है, लेकिन हमारे सामने कभी इस चीज़ को लाया नहीं जाता है। तो हम उस गैंग को पकड़ नहीं पाए। वहाँ जानकारी मिली गए, वो पकड़ा के पुलिस को बुला दिए। उनके पास से कुछ कैमरा वगैरह भी रिकवर हुआ है। पुलिस इंटीगेट करेगी। FIR करने के लिए हमने अधीक्षक को कह दिया है, FIR कर दीजिए और ऐसे लोगों से बचाव के लिए शख्स कार्रवाई की उम्मीद हम रखे हैं। प्रशासन से भी, पुलिस से भी और अपने आप से भी कोशिश करते हैं। इन आशा कर्मियों का रसूख इतना है कि कोई भी इनसे पंगा नहीं लेना चाहता। यह लोग सदर अस्पताल में ही अपना डेरा जमाए रहती हैं और यहाँ प्रसव कराने के लिए आने वाली महिलाओं को बहला फुसला कर प्राइवेट क्लिनिक पहुँचा देती हैं, जिसके एवज में प्राइवेट क्लिनिक वाले उन्हें एक मोटी रकम बतौर कमीशन देते हैं। पहले भी नालंदा के एक जिलाधिकारी ने किसी मरीज की शिकायत पर एक आशाकर्मी को पकड़वा कर पुलिस के हवाले किया था, मगर रसूखदारों की पैरवी के कारण उसे छोड़ दिया गया। यही कारण है कि इनका मनोबल बढ़ा रहता है। Thank you.